हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार फ्रेंड्स आई स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर क्या होता है या कैसे वर्क करता है हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे सो फ्रेंड्स आई स्टार्ट करते हैं इन इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर बोथ एयर एंड वाटर दोनों का ही यूज किया जाता है एट द सेम टाइम फॉर कूलिंग द रेफ्रिजरेंट ओके सो एयर कूलिंग मीडियम का भी यूज किया जाता है एंड वाटर कूलिंग मीडियम का भी यूज किया जाता है ओके बोथ एट ए टाइम और सेम टाइम किया जाता है गेटिंग फ्रेंड्स तो आइए इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं फ्रेंड्स क्या होता है इन बॉटम ऑफ द इवोपरेटिव कंडेंसर एक वाटर टैंक होता है जिसमें वाटर होता है यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स पंप के थ्रू वाटर जो है स्प्रे हेडर में सप्लाई किया जाता है थ्रू द पाइप ओके स्प्रे हेडर से क्या होगा फ्रेंड्स वाटर जो है स्प्रे फॉर्म में स्प्रे uh, फॉर्म में क्या होगा आएगा और जो कंडेंसिंग कॉइल है वहाँ से पास करेगा ओके सो वाटर इन स्प्रे फॉर्म पासिंग थ्रू द कंडेंसिंग कॉयल ओके जिससे क्या होगा फ्रेंड्स जो हीट होगा वह इंटरेक्ट होगा वाटर क्या करेगा फ्रेंड्स हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड अगेन इट विल कम डाउन ओके एयर क्या होगा फ्रेंड्स टॉप साइड में क्या होता है एक फैन होता है जो एयर को ड्रॉ करता है और आउटसाइड इन्वामेंट में भेजता है ओके okay? सो so, क्या होगा फ्रेंड्स एयर क्या होगा यहां से शक होगा ओके एंड दिस विल पास थ्रू द कंडेंसिंग कॉयल ओके एंड इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द कंडेंसिंग क्वायल एंड इट विल गो अप एंड इट विल गो आउट फ्रेंड्स सी हियर वाटर जो स्प्रे फॉर्म में है वह टॉप साइड से आ रहा है एंड जो एयर है वह बॉटम से टॉप को जा रहा है तो क्या होगा फ्रेंड्स देर चांस डैट वाटर पार्टिकल्स कम विथ एयर तो इसको क्या करेंगे हम एक एलिमिनेटर लगा करके वाटर पार्टिकल को रिमूव कर देंगे ओके okay? यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स जो रेफ्रिजरेंट है वेपर रेफ्रिजरेंट वह कंडेंसिंग कॉइल में इन होगा इट विल पास थ्रू द पास थ्रू द कूलिंग कॉयल ओके और यहाँ पे हीट रिजेक्ट करेगा वेपर क्या होगा हीट रिजेक्ट करेगा एंड इट विल कम इन द लिक्विड स्टेट ओके सो यहां से क्या होगा फ्रेंड्स रेफ्रिजरेंट विच इज इन लिक्विड स्टेट विल गो आउट ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर दोनों का यूज किया जाता है एयर कूलिंग मीडियम विच इज़ गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप थ्रू द कंडेंसिंग कोयल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर इन स्प्रे फॉर्म विल कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम वाटर क्या होगा फ्रेंड्स वाटर जो है वह टॉप साइड से स्प्रे फॉर्म में कूलिंग कॉयल कुल से पास होता हुआ बॉटम को आएगा सो so, यहाँ पर बोथ एयर कंडेंसिंग मीडियम एंड वाटर कंडेंसिंग मीडियम का यूज किया जाता है डेट्स वाई हम इसको ओपरेटिव टाइप कंडेंसर कहते हैं ओके okay? हम इसको ईजिली ड्रा कर सकते हैं सेम थिंग दिस इज दिलेंडिकल सेप दिस इज द रेफ्रिजरेशन वेपर इन या हम इसको कह सकते हैं कंडेंसिंग कॉयल ओके okay, यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होगा एयर क्या होगा फ्रेंड्स बॉटम साइड से इन होगा एंड टॉप साइड से आउट होगा यहाँ पर फैन लगा हुआ होगा दिस इज द इलिमिनेटर वाटर क्या होगा पंप के थ्रू जो वाटर है यहाँ पर इसको सप्लाई करेगा इन द स्प्रे हेडर वाटर क्या होगा फ्रेंड्स स्प्रे फॉर्म में टॉप टू बॉटम को आएगा ओके okay? हम स्लाइड्स में देख लेते हैं दिस टाइप ऑफ कंडेंसर हैज़ फीचर ऑफ बोथ एयर एंड वाटर कूल्ड कंडेंसिंग फैसिलिटीज़ बोथ एयर एंड वाटर का हम कूलिंग मीडियम की तरह यूज़ करते हैं वाटर इज़ पम्प फ्रॉम द सम्प। वाटर क्या होता है सम्प से पम्प किया जाता है और क्या होता है फ्रेंड्स स्प्रे फॉर्म में या स्प्रे हेडर से टॉप टू बॉटम को आता है कूलिंग कोईल से पास होता है एट द सेम टाइम क्या होता है फ्रेंड्स फैन भी रन होता है फ़ैन क्या करता है एयर को ड्रॉ करता है जिससे फ्रॉम बॉटम टू टॉप एयर फ्लो होगा और जो है कंडेंसिंग कॉइल से पास करेगा वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल टेक आउट सो इस तरह के इंटरेक्शन से हीट ट्रांसफ़र होगा इन द द्रेटिव टाइप कंडेंसर ओके फ्रेंड्स तो होप आपको समझ में आया होगा कि ईवरेटिव टाइप कंडेंसर कैसे वर्क करता है सो so, फ्रेंड्स अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स थैंक यू